संजय शर्मा जी। अमर रहे, अमर रहे पाकिस्तान। हाय हाय 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 पाकिस्तान। हाय पाकिस्तान। हाय हाय पाकिस्तान। हाय हाय भारत माता की जय। भारत माता की जय। पाकिस्तान। हाय हाय पाकिस्तान। हाय पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से एक और कायराना हरकत जो टारगेट किलिंग उन्होंने हमारी संजय भाई की है, बहुत ही निंदनीय है। हम जो एक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपने देखा होगा बलिभांति मीडिया बंधु परिचित हैं कि कैसे उनकी मान में जाकर उनको परास्त करके आते हैं, लेकिन ये जो इक्का दुक्का जो इंसिडेंट्स वो आए दिन करते आ रहे हैं, हम इसकी बहुत ही कंडेम करते हैं और पाकिस्तान को ये बहुत ही कड़े शब्दों में हम चेताना चाहते हैं कि ऐसे अगर इंसिडेंट्स उन्होंने लगातार अगर करते रहे तो हमारा भारतवर्ष खुद में सक्षम है, हमारी जो फौजें हैं खुद में सक्षम है, वो जानती हैं कि इसका बदला हम कैसे ले सकते हैं। जो कटोरा हाथ में लेकर पाकिस्तान घर घर जाकर भीख मांग रहा है आतंकवादियों के ऊपर, ये पैसा गरक ना करते हुए अपने देश को विकसित और अपने लोगों को खाना मुहैया कराए, यही उसके लिए काफ़ी रहेगा। मैं पुनः कड़े शब्दों में इस जो निंदनीय जो कायराना हरकत की है उसकी कंडेम करती हूँ और यही चेताना चाहते हैं कि पाकिस्तान होश में आओ, भारत अपनी सक्षमता खुद पहचान कर इसका बदला लेना अवश्य जानता है। मैम एक तरफ मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ, आप भी मीडिया बंधु बलिभांति परिचित हैं, पिछले जो हमारे साल रहे हैं वो कैसे कठिन परिस्थितियों में हमारा आतंकवाद श्रीनगर में पनपा था, लेकिन आज हमारी परिस्थिति जो हमारे नौजवान हैं उनके हाथों से पत्थर हटाकर कलम देना, उनको स्टेडियम में खेल कूदों की तरफ आकर्षित करना, उनको जीवन यापन के साधन प्रदान करना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, ये भारतवर्ष का लक्ष्य है, ताकि आतंकवाद से हटाकर हमारी युवा शक्ति को अपने जीवन यापन के लक्ष्य की ओर लेकर एक विकसित भारत का जो सपना साकार करने का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है उसको साकारित करते हुए कश्मीर को मुख्य धारा में लाते हुए एक विकसित राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाना, इसी के ओर लक्षित करते हैं।